साहब बहुत मारते हैं वो साहब, ये हाथ देख रहे हो ना साहब, नमाज के लिए हाथ बांधे थे, डंडे मारकर हाथ की हड्डी तोड़ दिए साहब, बहुत मारते हैं वो। इस हर देख रहे हो ना, सजदे में गया था, पीछे से पत्थर मारकर सर भी फाड़ दिया साहब, बहुत मारते हैं वो। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैंने सुना था कि अभी तुमने बकरीद मनाई थी, मैंने देखा था कि तुमने अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए थे, तुमने जिस तरीके से बकरे के गले पे छुरी फेरी थी ना, उसी तरीके से मेरे भाई की गले पे छुरी फेरी गई और उसे जिबा कर दिया गया, वहां जानवर कुर्बान हुए थे, या हम कुर्बान हो रहे हैं, हमें तो मरने दो साहब। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? 2 साल का भतीजा था मेरा, सब्जी काटने वाली छुरी से उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए साहब, बहुत मारते हैं वो। हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं साहब, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? तुम्हारी वालदा कैसी है? खिदमत करते हो ना उनकी? मैं भी करता था, लेकिन मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने चाकू के वार कर करके खत्म कर दिया गया साहब, बहुत मारते हैं वो। अपने अपने बाप की तो सुनते हो ना साहब, मैं भी सुनता था, लेकिन मिट्टी का तेल डाल के मेरे बाप को जिंदा जला दिया गया साहब, वो चीखता रहा और चीखते चीखते जिंदा जल गया साहब, बहुत मारते हैं वो। मुझे छोड़ो, तुम अपना हाल बताओ, सुना है तुम फैशन के नाम पे आजकल हमारे अभी ये फैशन है। मेरी पर्दा करती बहन के आकर उन्होंने कपड़े फाड़ दिए थे, मेरी बहन रोती रही, मुझे नहीं पता था फैशन में इतना दर्द होता है, मेरी बहन रोते रोते मर गई साहब, बहुत मारते हैं वो। बकरीद की दावतों में तुम ज्यादा खाने से अस्पताल पहुंच गए थे ना, यहां तो भूख से मरने वाले भी अस्पताल नहीं पहुंच पाते साहब, बहुत खुशकिस्मत हो तुम लोग, हमें तो मरने दो। तुमने तो दावतों में बोटियां भी खाई थी ना साहब, यहां हमारी बोटियां नोच के दावत की जाती है साहब। सुना था कि इस्लामी फौज बनी है जो मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए आएगी साहब, शायद मुझे सही से कलमा नहीं आता साहब, कि मैं सही मुसलमान नहीं हूं साहब, बताओ मैं सही मुसलमान हूं ना? हूं ना? बहुत मारते हैं वो साहब, बहुत मारते हैं। मैंने सुना था कि जब 47 में पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उसे सबसे पहले चावलों का तोहफा बर्मा ने दिया था साहब, लगता है तुम अभी तक वही चावल खा रहे हो साहब, मुझे भूल गए हो तुम, बहुत मारते हैं वो। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना साहब, कि तुम पे कोई हमला आवर ना हो, हम तो मरने के लिए पैदा हुए साहब, हमें मरने दो साहब, मरने दो। मैंने बचपन में सुना था कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक मजलूम औरत की खत पे उसकी मदद के लिए सिंध फतह कर लिया था साहब, लेकिन यार तुम हमारे लिए अपनी सरहदें नहीं खोलते साहब, तुम अपनी सरहदें हमारे लिए खोलो, अल्लाह जमीन की सरहदें तुम्हारे लिए खोल देगा, लेकिन अगर तुम्हें डर लगता है तो नहीं खोलो साहब, हमें मरने दो, हमें मरने दो साहब, तुम अपना ख्याल रखो कि तुम पे कोई हमला आवर ना हो, तो अपना ख्याल रखो, हमारा ख्याल कोई और रख लेगा साहब, तुम अपना ख्याल रखो साहब।